वन फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आज किसी दमों पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश स्पोकन का लचर थर्ड। चलिए तो हम बात करते हैं लचर थर्ड के बारे में। आज इसमें हमें पढ़ना है हैज हैव स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पहले अपन ने दो लचर डिस्कस कर लिए थे जिसमें हमने आपको एमेजर स्ट्रक्चर और बाजवा पढ़ा दिया था, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लचर थर्ड। तो इसमें क्या पढ़ना हैज हैव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हैज हैव स्ट्रक्चर जो आइडेंटिफाई होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा है सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हैज हेल्प वर्ब किसके साथ यूज की जाती है और हैव किसके साथ यूज की जाती है। जैसे हैज होती है तो ये ही सी इट एनी नेम, जैसे राम गीता सीता इसके बाद यूज की जाती है। और जो हैव होता है वो आई बी यू दे पीपल्स एंड विलेजेस के बाद यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसकी बात करें, इसके क्या एग्जांपल देखें, जैसे अपन आई हैव अ पेन इन माय बॉक्स, मेरे बॉक्स में एक पेन है। सी हैज अ बिग बॉल, सी हैज अ बिग डॉल, उसके पास एक बड़ी डॉल है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके सॉरी नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के फॉर्मूला में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब की बात दे दी आप नेगेटिव फॉर्मूला में, हेल्पिंग वर्ब की बात दे दी आप नॉट लगा देते हो तो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस नॉट प्लस हैव और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं इसके एक एग्जांपल के बारे में, आई डोंट हैव एनी बुक इन माय बैग, मेरे बैग में एक भी बुक नहीं है। तो इसमें आप देखा होगा कि इसमें लगा है डोंट हैव, तो डोंट हैव लगा है आपके आई के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसमें लिखा है सी डज नॉट हैव एनी बुक्स इन हर बैग, उसके बैग में एक भी बुक नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होता है कि डूडज हेल्प वर्क को आगे कर देते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट हो जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका ये क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। जैसे लिखा है डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव के बाद क्या मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसके बाद जैसे लिखा है डू हैव इंग्लिश बुक, क्या आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ डू यू नॉट हैव बाइक, क्या आपके पास बाइक नहीं है। डू दे नॉट हैव मोबाइल फोन या स्मार्टफोन, उनके पास क्या मोबाइल फोन नहीं है, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं डू दे नॉट हैव अ गुड बुक, क्या उनके पास कोई अच्छी बुक नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके डब्ल्यू एच एस वर्ड्स की, कि डब्ल्यू एच एस का जो इंटरगेटिव बनता है कैसे बनता है। तो इसमें डब्ल्यू एच एस प्लस डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे बात करते हैं अपन इसकी फर्स्ट सेंटेंस की, तो लिखा है इसमें जैसे विच कंपनी पेन डू यू हैव, आपके पास किस कंपनी का पेन है। तो यहाँ पे जो विच हो गया वो आपका क्या हो गया, डब्ल्यू एच एस वर्ड हो गया, तो आपके पास किस कंपनी का पेन है, इस तरीके से। जैसे इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की, जैसे उसने लिखा है विच कंपनी स्मार्टफोन डू यू हैव, आपके पास किस कंपनी का स्मार्टफोन है, ठीक है, आपके पास किस कंपनी का स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर जो विच हो गया वो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डब्ल्यू एच एस वर्ड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, इसमें लिखा है बिच कंपनी लैपटॉप डू, बिच कंपनी लैपटॉप डस सी है, उसके पास किस कंपनी का लैपटॉप है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बिच हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच एस वर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ बिच कंपनी बाइक डू यू हैव, आपके पास किस कंपनी की बाइक है। तो यहाँ पे जो बिच हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच एस वर्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अदर एग्जाम्पल की जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने हिंदी में दिया, यहाँ पे इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसे दिया है मेरे पास 10 पेन है, आई हैव 10 पेन्स। जैसे मेरे भाई के पास 2 स्कूल यूनिफॉर्म है, माई ब्रदर हैज 2 स्कूल यूनिफॉर्म्स, इस तरीके से। मेरे पापा के पास 2 बाइक हैं, माई फादर हैज 2 बाइक, इस तरीके से। आपके पास किस कंपनी का फ्रिज है, विच कंपनी फ्रिज डू यू हैव, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो लचर अपना ख़त्म हो गया, आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।